शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देख लेंगे, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? चाची जी कीर्ति! कीर्ति! अबे, ये क्या बदतमीजी है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे छोड़ वरुण, पीछे हट वरुण, मैंने बोला छोड़ मुझे, पीछे हट, चल आज मैं से नहीं छोड़ूंगा, चल बाहर, छोड़ मुझे बाहर, चल अभी, चल चल चल। चल बाहर, चल, हुआ क्या है? छोड़ूंगा अबे, क्या कर रहा है तू? अरे हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रहा तू कीर्ति पे? वरुण तू आज बीच में मत आ, आज मैं से नहीं छोड़ने वाला हूँ। अरे बता तो हुआ क्या है, बोल। जिसके पीछे कुत्ते की तरह तू मिला के घूमता है ना, जाके उससे पूछ क्या हुआ है? देख अबे, एक तो तमीज से बात कर, समझा? और बातों को घुमाने की जगह सीधा सीधा बोल कि हुआ क्या है, क्या क्या कीर्ति ने? तुझे तो बस वही सही और हम सब गलत लगते हैं ना, तो जाके उससे पूछ क्या हुआ है, क्या किया उसने मेरे ऑफिस में आके? बस अबे, अबे आखिर हुआ क्या है बताइए तो सही। उस कीर्ति की वजह से मेरे हाथों से मेरा पहला काम छीन लिया गया। क्लाइंट ने वो डील कैंसिल कर दी है। क्यों? अरे अभी उसकी वजह तो जान लीजिए, हमारे वरुण भैया की बीवी ने सबके सामने उस ऑफिस में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कहती है कि मैं एक चिचोरा हूं, मैं गिरा हुआ इंसान हूं जो उसे अपनी भाभी को गंदी नजर से देखता है। अरे यार, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, उसने बीच में आकर सबके सामने अपने नकली आंसू बहाकर ना मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया उसने। अरे कौन देगा मुझे काम अब? मेरा पहला काम खराब कर दिया उसने सारा। हाँ किया हमने, क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? और ये आंखें किसको दिखा रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने का ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डरते नहीं हम तुमसे। कीर्ति, आखिर क्यों किया तूने ऐसा? ओहो दीदू, आप और आपके सवाल खत्म ही नहीं होते। हमारा मन किया इसलिए हमने किया। खुश खुशी क्या होती है ना, वो तो अब हम तुम्हें दिखाएंगे। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पे इतना गंदा और झूठा इल्जाम लगाने की? करू जा, क्या मजा आता है तुम्हें हम सबको इतना परेशान करने में, हम सबका दिमाग खराब करने में? क्यों बचा रहे अभय के पीछे पड़ी रहती हो तुम? सुनो, हमारी बद्दुआ ना एक दिन तुम्हें ऐसे कंटा पर पड़ेगी तुम्हारे गालों पर कि सारी तुम्हारी अकड़ निकल जाएगी। भाभी, ये हमारे वरुण को तो खा ही गई है, अभी अभय को भी नहीं छोड़ेगी, याद रखिएगा आप। अरे खुद का घर बर्बाद करके, सबको बदनाम करके, अब ये बेशरम पूरे परिवार पर हमला करना चाहती है? हाँ ठीक है चाची, हम है बेशरम लड़की, हम मान गए, तो अपनी बहू को समझा दीजिए ना। अरे वो हमारे पीछे खाई पड़ी है, पीछा ही नहीं छोड़ती आपकी बहू।
श्रद्धा, तुम इस बहन को बचाना चाहती थी? हाँ, तो अपने पति की इज्जत को कैसे बचाओगी तुम, बताओ हमें। अरे उसके नुकसान की भरपाई कैसे करोगी तुम? अरे वो जा ही रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों? कौन सा अच्छा हो गया इसे रोककर? अरे जो लड़की अपने पूरे परिवार को दुखी देके खुश रहती है, उसे रोककर तुम्हें क्या लगा कि वो बदल जाएगी? अरे बोलो, तुमसे पूछ रहे हैं हम, अरे बोलती क्यों नहीं हो? अरे दोनों बहनों ने हमारे बेटे की जिंदगी हराम करके रख दी है। बोलो, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो ना। मम्मी, बस गलती सिर्फ कीर्ति की है, किसी और को दोष देने से कीर्ति का दोष कम नहीं हो जाएगा। मम्मी अबे, कीर्ति की तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। वरुण जी, कोई जरूरत नहीं इन जैसे लोगों से माफी मांगने की। अरे ये तो माफी के लायक ही नहीं है। बस कीर्ति, बहुत हो गया, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अब बिल्कुल चुप चुप। जो आज यहाँ हुआ है ना, वो तुम्हारे माफी मांगने के बाद भी कोई कभी नहीं भूलने वाला है, ये याद रखना तुम। अभी के अभी कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो वरुण जी, चलो। छोड़िए हमें वरुण जी, वरुण जी। वरुण जी, अगर आपको ये लगता है ना कि दीदू की तरह हम अपनी बाहर की बेइज्जती चुपचाप सह लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बस बहुत हो गया कीर्ति, अब तक तुमने जो कहा वो मैंने किया, तुम्हारी हर बात मानी, हर बार तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मतलब क्या आपका, क्या मतलब है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद ना तुम इस घर में कोई तमाशा करोगी और ना ही हम इस घर को छोड़ेंगे, समझे तुम? मतलब क्या है आपका कि हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे? वादा किया था ना आपने हमसे, तो फिर आप वादे से कैसे पलट सकते हैं? अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं कीर्ति, और मुझे मजबूर तुम्हारी हरकतों ने किया है। मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो तुम्हारा साथ दे रहा था, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे तुम? धमकी दे रहे हैं आप हमें, हमें धमकी दे रहे हैं? धमकी? उसे बहुत प्यार करता हूँ कीर्ति, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, इसलिए अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती ना, तो आज के बाद मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। माफ कर दो श्रद्धा, इसे सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं गुस्से पे काबू नहीं कर पाया और गलती हो गई, तुम प्लीज खुद को दोष मत देना, तुम इतना कुछ करती हो, इस परिवार के लिए कितना कुछ सहती हो और कोई नहीं सहता है, उल्टा मैंने ही सबके सामने आज तमाशा बना दिया, सुनना तुम्हें पड़ा। अभय, पर आपका इतना नुकसान हुआ, ये टल सकता था, पर कीर्ति ने मुझसे नाराजगी का बदला आपके काम पर निकाल दिया।
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।